जब भी बात फिल्म इंडस्ट्री में भगवान की आती है तो सबकी जुबान पर केवल एक ही नाम होता है, रजनीकांत का, जिन्होंने फिल्म बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में एक सफल अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई और ना केवल साउथ में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को अपने अभिनय से अपना दीवाना बनाया है। इसीलिए तो आज इनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप इनके परिवार के बारे में जानते हैं कि इनके परिवार का इतिहास क्या है, ये किस बैकग्राउंड से हैं और किस तरह इन्होंने बतौर एक्टर अपनी पहचान बनाई। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाले हैं, इनके परिवार के इतिहास के बारे में बताकर। अगर आप भी इनके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही रजनीकांत के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। रजनीकांत वैसे तो मराठी क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका असली नाम शिवाजी राव गायकड़ है और इनके फादर शुरू से ही तमिलनाडु में रहे हैं, तो इसीलिए इनका परिवार तमिलिस में गिना जाता है, जिसके चलते इन्होंने अपना नाम भी बदलकर रजनीकांत रख लिया था। आपको बता दें कि इनके पिता रामोजी राव गायकर फिल्मों से जुड़े नहीं थे, बल्कि वो एक पुलिस कांस्टेबल थे जिन्होंने अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की जीजाबाई से शादी की थी, जो कि एक आम लड़की थी, जिनसे इन्हें तीन बेटे रजनीकांत, सत्यनारायण राव, नागेश्वर राव और एक बेटी अश्वात भलुभाई है। लेकिन जब रजनीकांत 8 साल के थे तब इनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, जिसके बाद इनकी और इनके भाई बहनों की परवरिश इनके बड़े भाई और पापा ने मिलकर की थी, जिसके कुछ सालों बाद इनके पिता भी गुजर गए। अब बात करते हैं इस फैमिली के सुपरस्टार रजनीकांत की। तो बचपन के दिन तो इनके लिए मुश्किल भरे थे, साथ ही ग्रेजुएशन के बाद के दिन भी इनके लिए बड़े मुश्किल भरे रहे। इन्होंने बचपन में ही मन बना लिया था कि इन्हें एक एक्टर बनना है, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए थे। इन्होंने बेंगलोर और मद्रास शहर में कई तरह के काम किए, जिसमें कूली का काम और कारपेंटर का काम भी शामिल है। साथ ही काफी लंबे समय तक इन्होंने बस ड्राइवर के रूप में भी काम किया, जिनके साथ साथ इन्होंने अपनी एक्टिंग की भी पढ़ाई की और साल 1973 में एक्टिंग की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई और 2 साल बाद साल 1975 में इन्हें इनकी पहली फिल्म रांगल मिली, जिसमें इन्होंने विलन का किरदार निभाया था, जिसके बाद इन्हें फिल्में मिलती रही और ये उन फिल्मों में काम करते रहे, जिसमें इन्होंने विलन के बाद साइड रोल भी किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई, जिसके बाद लिंगा, अरुणाचलम, रोबोट, कबाली, शिवाजी द बॉस और थंगा मगम जैसी कई फिल्में दी हैं। साउथ इंडस्ट्री में सफलता पाने के बाद इन्होंने अपना रुख हिंदी सिनेमा जगत की तरफ किया और 1983 में अंधा कानून फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके बाद इन्होंने जॉन जॉनी जनार्दन और गिरफ्तार जैसी फिल्में दी और बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। बात करें इनकी निजी लाइफ के बारे में तो इनकी पूरी जिंदगी में कई महिलाओं के साथ इनका अफेयर रहा है। इनका पहले अफेयर एक कॉमन लड़की के साथ रहा था। उन दिनों ये बस ड्राइवर के रूप में काम करते थे, उनसे काफी प्यार करते थे, लेकिन दोनों शादी नहीं कर पाए, जिसके बाद इनकी मुलाकात लता से हुई जो इनका इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन ये उनसे पहली ही नजर में प्यार कर बैठे थे, जिसके बाद दोनों का एक लंबा अफेयर चला और आखिरकार साल 1981 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद इनका एक एक्ट्रेस के साथ रिश्ता रहा था, वो थी अभिनेत्री सिल्क स्मिता, जिसके साथ इन्होंने कई सारी फिल्में की और इसी दौरान इन दोनों के डेट करने की खबरें भी सामने आई थी। दोनों वाकई रिलेशन में थे क्योंकि रजनीकांत शादीशुदा थे तो इन्होंने इनसे रिश्ता तोड़ दिया और अपनी पत्नी के पास चले गए, जो कि पेशे से एक प्लेबैक सिंगर थी और उन्होंने कई सारे हिट गाने भी गाए थे। लेकिन जब वो फिल्म प्रोड्यूसर बन गई और अब तक वो विला और टिक 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 जैसी कई फिल्मों का निर्माण कर चुकी हैं। आपको बता दें कि रजनीकांत और लता की दो बेटियां हैं, सौंदर्य और ऐश्वर्या, जहां सौंदर्य पेशे से ग्राफिक डिजाइनर हैं और इन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की हैं, जिनमें पहली शादी अश्विन राम कुमार से साल 2010 में की थी और एक बेटे की मां बनी। लेकिन कुछ सालों बाद आपसी झगड़ों के चलते इन दोनों का साल 2017 में तलाक हो गया, जिसके बाद साल 2019 में इन्होंने एक्टर विशभन से शादी की, जिसके बाद आज ये खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। बात करें इनकी दूसरी बेटी ऐश्वर्या की तो वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट की हैं। इन्होंने अभिनेता धनुष के साथ साल 2004 में शादी की थी, जिनसे इन्हें 2 बच्चे भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनुष आज साउथ इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार बन गए हैं, जिन्होंने फिल्मी परिवार से ना होने के बाद भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है
उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में तो कई लोगों का दिल जीता ही है, वहीं बॉलीवुड में भी रंजना और शमिताभ जैसी फिल्में देकर यहां के लोगों का दिल भी जीता है। वर्तमान में ये एक और बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग करने में बिजी हैं, जिसका नाम है अधरंगी रे। तो दोस्तों, आपको रजनीकांत की फैमिली में से कौन सा मेंबर सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।